गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं आज डिस्किट मॉनेस्ट्री। ये देख सकते हो आप, ये मॉनेस्ट्री आप लोगों ने इंस्टाग्राम वगैरह पर देखी होगी, इंटरनेट पर देखी होगी मोस्टली, तो आज ये देखने को मिली है। और ये जो कि डिस्किट मॉनेस्ट्री है, ये हुंदर में है, मतलब नुब्रा वैली में, और ये बहुत ज़्यादा हाइट पर है। अभी हम खड़े हैं, तो आज हमारा है डे 8 लद्दाख राइड का। आज का रूट हमारा रहने वाला है नुब्रा वैली टू पेंगोंग लेक। तो अभी हम आए यहाँ से और देख सकते हो नीचे का नज़ारा, पूरा माउंटेंस ही माउंटेंस दिख रहे हैं दूर दूर तक। और वो सामने आपको वाइट वाइट दिख रहा होगा पहाड़ों के पास में, वो सारा सैंडून्स है, मतलब रेगिस्तान। तो गाइस ये जो स्टैचू देख रहे हो आप सामने, बुद्धा स्टैचू, इसकी जो हाइट है एग्जैक्टली 106 फीट की है, जो कि अपने आप में एक साथ बहुत अच्छी वो है, मतलब हाइट। और ये बहुत पुरानी मॉनेस्ट्री है, इसके सामने बराबर में पूरा ये ग्राउंड सा है। और इसका यहाँ पे आने का कोई टिकट नहीं लगता है, 20-30 रुपये का टिकट है नॉर्मली, वो भी नीचे ही देना पड़ता है वो। अभी हम सबसे पहले आए हैं यहाँ पर मॉर्निंग में उठते ही, क्योंकि आज का रूट हमारा नुब्रा वैली से पेंगोंग लेक का है, और वो जो कि काफ़ी लंबा राइड होने वाली है हमारी आज की, तो इसलिए हम सबसे पहले मॉर्निंग में उठते ही यहाँ पर आए हैं डायरेक्ट। तो सब लोग यहीं पर अभी इंजॉय कर रहे हैं, फिर अब निकलते हैं यहाँ से थोड़ी देर में पेंगोंग लेक के लिए। बाकी देख सकते हो पूरा नीचे का नज़ारा, पूरा नुब्रा वैली दिख रहा है यहाँ से। मेरा भी एक 50 किलोमीटर आया अभी, हम अभी पूरा 200 किलोमीटर बाकी है। पूरा कौन सी थी, करिश्मा थी ना, बताओ यार कैसी गाड़ी लिख रहा है। सही है यार, पैशन है। चले अभी 50 किलोमीटर आ चुके हैं हम डिस्किट मॉनेस्ट्री से, मतलब नुब्रा वैली, और जा रहे हैं पेंगोंग लेक। और ये देख सकते हो नज़ारे आप, रोड काफ़ी अच्छे हैं अभी तक तो। थोड़ा सा बीच है, अभी थोड़ा सा रोड ख़राब था माइनर सा, पर इतना चल जाता है। बाकी अभी तक कोई ज़्यादा ख़राब रोड नहीं मिला है, ये रोड्स काफ़ी अच्छे हैं, मतलब नए रोड बने हैं ऑलमोस्ट सारे जितने भी अभी देख रहे हो यहाँ पर, और पूरा फ्लैट लैंड है एकदम। और बाकी 50 किलोमीटर का एक के बाद अभी छोटा सा एक ब्रेक लिया था 5-10 मिनट का, तो वहाँ पर अभी देखा हमने कि मेरा भी एक फ्यूल का जो है ना एक मतलब एक मार्क गिर गया है अभी। और वैसे तो पेट्रोल है अपने पास काफ़ी सारा, क्योंकि हमने जेरिकेन में भी फ्यूल कैरी कर रहे हैं आज के दिन, क्योंकि रास्ते में कहीं भी या और पेंगोंग में भी कहीं भी पेट्रोल वगैरह नहीं मिलने वाला है। और अगर पेट्रोल मिलता भी है पेंगोंग में कहीं, तो वो ब्लैक से मिलता है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो इसलिए हमने सारा रिफिल वगैरह कल रात में ही करवा लिया था गाड़ी में भी और जेरी कैन में भी। बाकी चलते हैं, नज़ारे दिखाते हैं आपको आगे के। ये आ गई है पहली वाटर क्रॉसिंग छोटी सी, ये देख सकते हो, ये पारा पानी सारा ऊपर से पहाड़ों पे से बहता हुआ आता है यहाँ पर, जिसकी वजह से रोड भी ख़राब हो जाते हैं सारे। तो ये बहुत मामूली सा पानी है वैसे तो अभी, पर फिर भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, तो साइड से निकालते हैं आराम से, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसको निकालना। और बाकी ये पानी बहुत ही ठंडा होता है, चलते हैं आगे। तो ये आ गया थोड़ा ऑफ रोड, ये देख सकते हो ये पूरा रोड बन रहा है अभी, और आने वाले टाइम में ये होप सो बन जाएगा नेक्स्ट ईयर तक, मतलब ये बन ही जाएगा नेक्स्ट ईयर। जब आएंगे जो भी लोग लद्दाख, तो उनके लिए ये रोड बना हुआ होगा। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पीछे भी लोग काफ़ी सारे काम कर रहे हैं, और इस रोड को काफ़ी चौड़ा बना रहे हैं, क्योंकि ये पूरा फ्लैट लैंड है एकदम। तो ये देख सकते हो जितने भी पूरी बाउंड्री रिसीव कर रखी है लोगों ने, तो ये आने वाले टाइम में बन जाएगा वैसे तो अब, बट अभी काफ़ी ख़राब है। और यहाँ पर स्कूटी ड्राइव करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि छोटे टायर होते हैं स्कूटी के, और स्लिप करने का डर हो रहा है थोड़ा सा कि जैसे कि स्लिप कर जाएगी। तो अच्छा ये रोड देखो बना हुआ भी है थोड़ा सा आगे तक, खैर ये रोड जो है ना यहाँ पर कोई भी रोड हुआ नहीं करता था पहले, क्योंकि जो जब ग्लेशियर वगैरह ऊपर से पिघलते हैं पानी आता है, तो सारा ये रोड्स वगैरह पे आ जाता है, मतलब इधर ही आ जाता है, तो इसकी वजह से ये सारा पथरीला टाइप का इलाका हुआ पड़ा पूरा।
तो एक और वाटर क्रॉसिंग दिख रही है मुझे, जो कि काफ़ी बड़ी लग रही है, पीछे वाले से थोड़ी बड़ी लग रही है। तो इस पे से भी निकालते हैं आराम से गाड़ी को, कोई डरने का बात नहीं है इतना। लद्दाख ट्रिप फुल ऑफ एडवेंचर, इसी एडवेंचर के लिए तो आए थे यहाँ पर हम। भाई ये देख सकते हो आप लोग, पूरा रोड ऑफ रोड है पूरा, बल्कि ये पूरा समझ लो तरीके से ही बोल सकता हूँ कि ये नदी है पूरी। और यहाँ पर ऑफ रोड का तो नामो निशान है ही नहीं बिल्कुल भी, 1% भी माइनर सा भी। और ये जो सीधा रोड देख रहे हो, ये गाड़ी जो खड़ी है लेफ्ट साइड में, ये सीधा रोड जो है ना, रोड है ये वाला, मतलब इसी रोड से लोग मोस्टली गुजरते हैं। पर यहाँ पर पानी बहुत है और वो डीप बहुत है वहाँ पर जगह, तो मोस्टली लोग इधर से भी जा रहे हैं, जिधर से मैं जा रहा हूँ इस टाइम वहाँ से भी जा रहे हैं लोग वैसे तो, पर थोड़ा रिस्क ज़्यादा है उधर की तरफ से, तो मैं उधर से नहीं जा रहा हूँ। इस वजह से मैं इधर से जाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि 2-3 लोग मैंने जाते हुए देखे हैं इधर से भी। देख सकते हो यहाँ पर इतने सारे लोग हेल्प के लिए भी खड़े हुए हैं आगे, वहाँ पर देख सकते हो आप लोग। आ जाएगी, डीप तो नहीं है, ये देख सकते हो पानी इसके अंदर। सीधा नहीं रहेगी, नहीं रहेगी इधर, मेहुल ओ मेहुल। फंस गई थी यार, फट गई ना।
यहाँ पर अभी यहाँ से पेंगोंग लेक जो है 4-5 किलोमीटर रह गई है, और यहाँ पर एक बोर्ड आने वाला है अभी जिस पर लिखा होता है फर्स्ट व्यू ऑफ पेंगोंग लेक, और आप देख सकते हो वो ब्लू ब्लू वहाँ पर वो पेंगोंग लेक है। सकते हो आप पेंगोंग लेक का फर्स्ट व्यू यहाँ से दिखता है, दिखाता हूँ आपको। अभी 4 किलोमीटर दूर है यहाँ से एग्जैक्टली। हेलो, दिल्ली से आप? क्या पेंगोंग कर क्या रहे हैं वापस ले ये नुब्रा नुब्रा हो अब ले जा रहे हैं, मतलब अब हम जाएंगे मनाली। अच्छा मनाली, अभी डायरेक्ट मनाली जा रहे हो? हाँ। अभी अभी नहीं, अब तो रुकोगे ना कहीं इस जगह खाना खाया था वही रुकेंगे। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक भाई, थैंक यू। पहले से रोड काफी अच्छा हो जाता है यहाँ पर आकर। और ये पेंगोंग पहुंच चुके हैं हम लोग, एक ड्रीम और पूरा हो गया हमारा, पेंगोंग पेंगोंग। और ये देख सकते हैं आप पेंगोंग लेक पहुंच गए हम लोग। और ये देख सकते हो आप पेंगोंग लेक हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड पेंगोंग लेक सी दिस ब्यूटीफुल वाटर, वाओ ब्लू ग्रीन, सीरियसली माइंड ब्लोइंग, सीरियसली यार। I am very happy after see this. Very very happy. See this beautiful view. This is called Pangong Lake, highest lake in the world. See this guys, see this Pangong Lake, highest lake in the world. और ये देख सकते हो आप लोग Pangong Lake, और मैं इसके अंदर हाथ डालने वाला हूँ, देखते हैं ठंडा है पानी गर्म है।
से। आपको नहीं दिख पा रहा होगा वैसे तो, बट जो इसका जो पहुँच चुके हैं होटल और सामने है पेंगोंग लेक और चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। उधर तक ये पेंगोंग लेक पूरा फैली हुई है, 130 किलोमीटर लंबी है अराउंड पेंगोंग लेक जो है। और यहाँ पर काफ़ी ठंड हो रही है, स्नो कैप माउंटेन देख सकते हो सामने। और यहाँ पर अपना स्टे आज का, और ये बाकी सारी यहाँ पर व्हीकल अपने यहाँ पर पार्क हुए हैं इधर सबके सब देख सकते हो। इधर अपनी धन्नो पार्क है, ये देख सकते हो धन्नो, ये रही अपनी धन्नो। तो गाइज इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और आने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक और शेयर कर देना प्लीज़। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी लद्दाख सीरीज़ कैसी लग रही है आप लोगों को। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।